बचपन से कबड्डी शुरू कर दी थी। 8-9 साल के मैं कबड्डी शुरू कर दी थी। माता पिता तो मेरे को जबरदस्ती भेजते थे, क्योंकि मैं जब कंचे खेलते थे मैं उन पर भाग जाता था, तो घर वाले बोलते थे कहाँ जा रहा है, ग्राउंड पर जाना जरूरी है। मेरा अंकल भी कबड्डी खेलता फौज में हो, वो मेरे को धमका धमकू के लेके जाता था। प्रदीप 3 साल का ही था जब आप उसका काका कबड्डी खेलता था बजिंदर नरवाल, और वो उसी के साथ जाता था और वहाँ आराम से रेत में मस्ती मास्ती करके आ जाता था। मेरा अंकल आर्मी में है, रविंदर है वैसे तो नाम उसका, वैसे बोलते हैं गाँव में बोलते बजिंदर, तो मेरे को जबरदस्ती लेके जाता था, तो मैं उसके साथ चला जाता था। फिर मैं अपने मट्टी में खेल गया जाता था, पहले कोई खिलाता नहीं था ना इसलिए, तो फिर मेरे को मेरे गुरु ने खिलाया। 6 साल की उम्र में वो स्कूल लेवल पे खेलने लग गया था, अंडर 11 की टीम में उसने अपने यहाँ गांव के स्कूल में जोन में फर्स्ट ले गया, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट ले गया। उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, फिर वो स्टेट तक खेला। 10-12 साल का था प्रदीप उस टाइम से कबड्डी खेलने लग रहा है मेरे पास। वो अब भी प्रो में से आते ही यहीं प्रैक्टिस करता हूँ। नहीं, और मैं बहुत कम रुचि थी, वो तो अकेला रहता था पीछे, 6 डिफेंडर आगे रहते थे, वो अकेला रहता था और पूरे मैच की एक लारेड मारता था, प्रैक्टिस में वैसे ही मारता था। जब यहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते थे तो मैं एक आधी बार चला जाता था। इसका कोच है जो नरेश नरवाल, वो बोलता था कि भाई तेरा लड़का तो ठीक पा मारने लगा। फिर मैं भी एक आधी बार जाता था तो वो अच्छा खेलता था जी, बहुत बढ़िया लगता था मेरे को भी। मैं बस यही सोचता था कि ये बस नौकरी लग जाए, मेरे को इतना नहीं था कि ये इतनी ऊँचे तक चला जाएगा। मेरे को बहुत गौरव है प्रदीप नरवाल का। बचपन की जो मस्तियाँ होती है वो प्रदीप में अब भी हैं, और अब भी बच्चों के साथ करता है जैसे वो बचपन में करता था, अब भी करता है। बच्चे उसके प्रति बड़ा स्नेह करते हैं कि प्रदीप आएगा और हम उसके साथ बचपन की वही करेंगे, और प्रदीप ऐसा ही करता है, अब भी उसमें बचपना है। एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट किया रामवीर कोच ने, रामवीर कोच जान उसको एयरफोर्स में लिया, और एयरफोर्स के लिए भी वो सर्विसेज में गोल्ड लेके आया। गोल्ड लेने के बाद नेशनल में गोल्ड आ गया, तो सर्विसेज का रामवीर जिया ने तभी लगा भाई हाँ ये लड़का अच्छा है, तो उन्होंने और उसको अच्छा बढ़िया बनाया, उसको जो कमियाँ थी उसको दूर की उसकी कमियाँ, लेकिन वो कमियाँ रामवीर जी ने निखार के उसको पूरा गोल्ड बना दिया। फिर ये वर्ल्ड कप जीत का तो हमें गांव में पूरा हल्का विरोधन बहुत ही बढ़िया इसका स्वागत किया। गवाना से लाए जी को ट्रैक्टर ट्रेली ले करके पूरे हमारे 7-8 गांव नरवाला के सभी गए जी, पूरा इसको सहयोग दिया और पूरा इसको आदर किया सभी गांव वालों ने, और फिर हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। ये बहुत राजी हुए थे हम तो, सब कति बाट देखने लाग रहे थे, हम तो बहुत वारिश हुए थे बाट देख कर, हम तो सब ने बम पटाके बजाए जीते। जब बहुत अच्छा होता क्योंकि मेरे को 20 किलोमीटर दूर से गाड़ी में ले गए आए थे, तो पूरा गांव ने मेरी बहुत सपोर्ट करी थी। रामेश सर बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरे को इतने ऊपर तक उसकी हाथ है, ज़्यादातर तो उसी का हाथ है। जैसे सिखाते तो बहुत चीज़ें हैं, जैसे बोनस थी मैंने यहीं पटना में आके सीखी, पटना ने मेरे को बहुत चेंज किया, क्योंकि मैं जब पहली बार पटना में आया तो मैं प्लेयर की उससे आया था, फिर मेरे को कैप्टन भी बना दिया पटना ने। ये तो नहीं लगा था इतने बड़े खिलाड़ी बने कि ये सोचा था हम अपने कहीं जॉब फौज फाज में या और कहीं जॉब लग जाए, इससे अच्छा तो क्या होगा। मेरे गांव में एक अंग्रेज नाम का सीनियर प्लेयर होता था, उसने बहुत अच्छी अच्छी दुबकी लगाई, मैंने उसको कभी खेलते हुए नहीं देखा, तो मैं जब प्रो कबड्डी में आया तो मैं भी दुबकी मारने लग गया था। फिर मैं गांव में गया तो मेरे को कोच या मेरा सीनियर थे जो, उनने मेरे को बताया कि अंग्रेज भी ऐसे दुबकी मारता था जैसे तू मार रहा है। फिर मैंने थोड़ा बहुत और ध्यान दिया तो मैं और अच्छी अच्छी दुबकी मारने लग गया। जब वो अंग्रेज कहीं टूर्नामेंट में जाता था ना, दूर दराज से, जैसे प्रदीप तो टेलीविजन पे आता है, दूर दूर से टूर्नामेंट में लोग देखने के लिए आते थे कि उसकी डुबकी देख के आएंगे। अब तो ये टीवी में आ गई, सबको दिख गई, पहले देखने का मौका नहीं था। हमने उसी दिन से सोच लिया था
कि कोई ऐसी कला सिखानी है इसको कि जो पूरे देश में अलग से रहे। एक गिल माने से जिंदगी चेंज हो गई, क्योंकि पहले कोई जानता नहीं था प्रदीप कौन कौन नहीं। अब हर जगह, हर गांव में, हर शहर में मेरे को जानते हैं। मैं जाता हूँ तो मेरे को लोग मिलने आते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसने सेकंड में, थर्ड में, फाइनल में आपको सामने करके दिखा दिया कि हाँ भाई, प्रदीप नरवाल है कुछ है। तो लड़का ऐसा है जी, आपके सामने है, सपोर्ट किया पब्लिक ने भी, किया देश ने भी, किया गांव ने भी, किया सारा गांव उनके सामने है। सरपंच साहब हैं हमारे, हमारे दादाजी हैं, भाई साहब हैं, सभी ने उसको सपोर्ट किया और उसका रिजल्ट आज हमारे देश के सामने है। प्रदीप नरवाल के फैनों को मैं बहुत ही बधाई देता हूं कि इसे और भी ज़्यादा वो करें और इसे पूरा ये पूरी आशीर्वाद दें, पूरा वो दें भाई प्रदीप नरवाल अब की बार भी चैंपियनशिप अपनी टीम को लाए पटना पायलट को। मैं उनके फैन को बोलना चाहूँगा कि वो उसे आगे चलकर सपोर्ट करें और वो ऐसे ही खेलता रहे, आगे पटना को फिर चैंपियन बनाए। हाँ, हम कहेंगे जी हमारा बहुत बढ़िया बच्चा लिकड़ा, बहुत अच्छी बात है। हमारा गाँव का नाम रोशन किया उसने, हमारा हरियाणा का किया है, हमारा नरवाला किया उसने। हम उसको आशीर्वाद देते हैं कि अब की बार भी जीते, फर्स्ट आए, पटना पायलट को जीता के लाए। पटना।